ये कोहनी के बल गिरने या कोहनी में चोट लगने से हो सकती है। ये समस्या मोच और हड्डी या जोड़ के उखड़ जाने से भी हो सकती है। इससे रोगी को और अधिक पीड़ा होने और उसकी स्थिति और खराब होने की आशंका होती है। इसलिए ऐसी किसी भी तरह की चोट के इलाज के लिए ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ से परामर्श लें। आप करो। तो ये हमारे पास दो पेशेंट हैं, दोनों के एल्बो के ऑपरेशन हुए थे, फिर हमने इनका जाम हो गया था, फिर हमने इनको ठीक किया था। तुम कहाँ से हो बच्चा? सर मैं गोरखपुर के उत्तर प्रदेश से गोरखपुर जिले से आया हूँ। ठीक है, और आप कहाँ से हो सर? सर छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला से। ठीक है, तो आप अपनी स्टोरी बताओ कि आपको चोट कैसे लगी थी। सर मैं गिर गया था, मेरा एल्बो जाम हो गया था, मैं कुल्लन कराया था, पूरी तरह से मैं ना खाना खा पाता था और ना मैं कंघी कर पाता था, ना पीछे कर पाता था, एकदम बहुत ज़्यादा तकलीफ में था। यूट्यूब के माध्यम से मैं आपका जानकारी लिया और हिम्मत करके मैं आया था सर आपके पास में, और आने के बाद मेरे को काफ़ी राहत मिला। ठीक है, तो जब हमने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा तो कितने टाइम बाद आप हमारे पास आए थे? सर 4 महीने के बाद मैं आया था। तो जब 4 महीने बाद आप हमारे पास आए तो क्या सोच कर आए थे कि हम एक्सरसाइज से ठीक कर देंगे या ऑपरेशन से ठीक करेंगे? सर मन में तो तरह तरह के भ्रांतियाँ थी, लेकिन यूट्यूब पे देख के मेरे को पूरा विश्वास था। लोग तो मेरे को कई तरह से बोले थे कि नहीं ये फाल्स है, आप धोखा खा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव नहीं है, फेक है, ऐसा करके। लेकिन मेरे को मन में विश्वास था अगर मैं नहीं जाता हूँ तो मेरे को जिंदगी में समझौता करके मेरे को ऐसे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं हिम्मत करके मैं आया था, पूरा रिस्क लेके मैं आया था आपके पास में। ठीक है, तो जब हमने कह दिया ऑपरेशन होगा और इतने पैसे लगेंगे और इतना टाइम लगेगा और फिर 5 दिन की दवाइयाँ देंगे और फिर ठीक होने के पूरे चांसेज हैं, तो आपको डर नहीं लगा मुझसे? नहीं डर नहीं, मैं तो हिम्मत करके ही आया था सर, आर पार की लड़ाई थी मेरे लिए। तो पक्का? हाँ मेरे लिए। कितना मूवमेंट था पहले आपका ऑपरेशन से पहले? सर बहुत कम था, बहुत कितना कम था, करके दिखाओ। मैं यहाँ पे आके यहाँ रुक जाता था, मेरा हाथ खाना नहीं खा पाता था। ठीक है, और यहाँ पे आके यहाँ पे रुक जाता था पूरा। ठीक है ठीक है, तो अब ये बताओ कि जब आपका ऑपरेशन हो गया तो आपने किस किस टाइप के पेशेंट देखे हॉस्पिटल में? सर मैं तो दंग रह गया सर, मतलब ऐसे ऐसे लोग थे किन्हीं के मतलब हाथ नहीं चल रहे हैं, किसी के एल्बो जाम है, कि कोई किसी का मतलब यहाँ से हाथ भी कट के अलग हो चुका था। मैं बहुत बहुत तरह के पेशेंट देखा था और काफी लोग को मैं खुश देखा सर, जो 21 दिन के बाद आप बुलाते हैं यहाँ पे टाका कटने के बाद आइए, और मतलब उनके चेहरे पे जब मुस्कान देखा था मेरे को इतनी खुशी हुई थी कि काश डॉक्टर साहब मेरे को भी ऐसे ठीक कर देते, ऐसा मतलब मन में सोचता था मैं एकदम। तो हमने आपको ऑपरेशन के बाद कितने टाइम बाद मूवमेंट स्टार्ट करवा दिया था? मेरे को सर 3रे दिन ही आप पूरा पट्टी उट्टी खोल के और पूरा मेरे को अपने से बोले आप करने के लिए, मैं पूरा अपने से ही किया था एकदम। ठीक है, कितने दिन की दवाइयां दी थी हमने आपको? सर 5 दिन का दिए थे। तो अब जो भी हम YouTube पे बोलते हैं झूठ तो नहीं बोलते? हाँ सर बिल्कुल सच्चाई है एकदम, 1% भी झूठ नहीं है। अब जो आपके घर वाले जो बोल रहे थे कि वहां मत जाओ, ये अब उनका क्या कहना है सर? उनका क्या कहते हैं? नहीं बोले कि नहीं नहीं एकदम, हम तो बोले ही थे, पलट गए ना सर, यही है ना जी, पलट गए एकदम। अब जो भी लोग हमारे पास जो हमारा वीडियो देख रहे होते हैं, यू कर रहे होते हैं, उनको क्या बताना चाहते हो आप? सर मैं तो पूरी विश्वास के साथ बोलूंगा, अगर हाथ के संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कहीं ना जाए, डॉक्टर अमित मित्तल जयपुर हाथ वाले के पास में आइए, आपको 100% मेरे को मिला है तो आपको भी मिलेगा। ठीक, और अगर नहीं मिला होता तो भी हमसे डरना तो नहीं होता, खराब तो नहीं किया? नहीं, खराब तो बिल्कुल नहीं सर, मैं जितने भी पेशेंट देखा अभी तक मेरे को कोई ऐसा, मैं आपके यहाँ बैठा जरूर था लेकिन मैं कई लोग से सर्वे किया। अच्छा? हाँ मैं बैठे बैठे कई लोग से सर्वे किया था, तो काफी खुश थे सर, उनका खुशी देख के मेरे को लगता था हे भगवान मेरे को भी डॉक्टर साहब कृपा कर दे, दया कर दे, ताकि मैं भी ठीक हो जाऊँ करके। ओके ओके ओके, ठीक है, तो आप टोटल सेटिस्फाइड हो? जी सर पूरी तरह से सर। ठीक है, तो जिसको भी जो भी सुने आपको उसको निसंकोच होकर आ जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिना सोचे समझे अगर हाथ के संबंधित कोई भी किसी पर बचपन से हो तो, एक्सीडेंटल हो तो, किसी कंडीशन में आना जरूरी है यहाँ पे। तो भाई इनकी तरफ से एक्सपीरियंस आपको बता दिया है, ये दूसरा पेशेंट है, इसको देख के मैं जितना खुश हूँ ना उतना इनको देख के खुश नहीं हूँ। इनका एक्सरसाइज दिखा कैसे करता है तू, घर पर करके दिखाओ पूरा। हाँ हाँ पूरा उठ रहा है और इस तरह नाश्ता में जैसे इस तरह। हाँ पूरा करके दिखाओ। हाँ ऐसे भी। चलो देखिए। हाँ हाँ हाँ, और जो तुम ऐसे ऐसे करते हो ऐसे ऐसे करते हो करके दिखाओ, क्या बेस्ट है, परफेक्ट सर, इस तरह भी नहीं होता था। ठीक है, अब सब जाम था। अब तुम अपनी स्टोरी बता दो जरा उनको। सर
हम बहुत परेशान थे, अपने एल्बो के लेकर जाम था सर, बहुत बहुत ज़्यादा हम टेंशन में थे सर। तो हम चारों तरफ से बाहर गए तो मोबाइल से पता किए कोई डॉक्टर है, तो कई लोग का सर वीडियो हम यूट्यूब पे देखे, लेकिन सर्च करते करते सर आप पे हमको, आपके बात पे हमको विश्वास लगा, आपके चेहरे के भाव से हमको लगा कि आप सही बोल रहे हैं, आप ठीक कर सकते हैं। तो हम अपने परिवार के लोगों को दिखाएं, तो हमारी वाइफ भी देखी, तो वाइफ देखी तो आपके वीडियो से कहे कि डॉक्टर ये सही है, इन्हीं के पास जाइए। तो हम उसको लेकर आए आपके पास सर, आप दवा दिए, इलाज किए सर, आपसे हम बहुत बहुत संतुष्ट हैं सर। ठीक है, अब जो भी यहाँ पर आपको देख रहा है वीडियो में, तो उनको कुछ क्वेश्चन होते हैं कि डॉक्टर साहब आपका फोन नहीं उठता, पहला। दूसरा क्वेश्चन होता है कि सर अगर फोन उठ जाए तो अच्छे से जवाब नहीं देता कोई। तीसरा क्वेश्चन कि सर अगर आपके पास आए तो इलाज होए तभी आए। चौथा क्वेश्चन, सर अगर इलाज नहीं हो रहा है तो हमें इसी फोन पे बता दो। अगर ये सारी चीजों के जवाब मैं उनको फोन पे दे दूंगा तो क्या वो ठीक हो जाएंगे? नहीं सर, ये फोन पे आप जवाब नहीं दे पाएंगे जब तक आप देखेंगे नहीं, देखना पड़ेगा ना उनको। हाँ सर, तो उनको कौन समझाएगा ये बात? सर हम तो भाग्यशाली थे सर, हम आपका फोन उठ गया, बात हो गई, तो हम आ गए हैं यहाँ पे आके देखे, तो तरह तरह के मरीज मिले, हम तो देख नहीं जा रहा था, हिम्मत नहीं कर था देखने के लिए, लेकिन सब लोग संतुष्ट सर आपके सेवा भाव से जो आप दवा इलाज करते हैं सर, हमको बहुत अच्छा लगा आपका सारा व्यवस्था देखकर, और आपके स्टाफ के लोग भी बहुत अच्छे हैं सर, पूरा मदद करते हैं, सेवा भाव से इलाज करते हैं। ठीक है, आपके साथ पूरी टीम अच्छी है। ठीक है, अब मैं पूरी दुनिया को तो ठीक नहीं कर सकता ना। हाँ सर, अगर इतना तो बड़ा भगवान थोड़ी बन, नहीं सर, तो भाई जितनी अंदर मेरे अंदर एनर्जी है, जितनी काबिलियत है, उतना ठीक कर सकता हूँ मैं। पूरी दुनिया को ठीक नहीं कर सकता, पूरी दुनिया को खुश नहीं कर सकता, जो हमसे खुश नहीं है तो प्लीज़ वो शांति से दूसरे डॉक्टर को दिखाकर अपना ट्रीटमेंट कराएं। लेकिन किसी भी डॉक्टर के ऊपर ये मत करें कि उसने ख़राब कर दिया, इसने ख़राब कर दिया, क्योंकि चोट आपकी जो लगी आपके लग के कारण हुई, जो ठीक हुए वो भी आपने लग के कारण हुए। हम सब लोग अपनी ट्राई कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से बेस्ट ठीक हो जाओ।